अमृतसर न्यूज अरोड़ा की रिपोर्ट, कैमरामैन दीपू मलिक के साथ। विधानसभा सेंटर वार्ड नंबर 54 में वार्ड में मंत्री ओपी सोनी ने 40 लाख रुपए की नई सड़क बनाने का उद्घाटन किया। वार्ड के विकास मिश्रा, बिट्टू पहलवान, नरेंद्र बोस, सतबीर सिंह लाली, कुलदीप बल्ला, लक्की नयर, प्रदीप शेंटू, बलविंदर शर्मा, बलराम सिंह, सुनील कुमार और इलाका निवासियों ने मंत्री सोनी का धन्यवाद किया और मंत्री सोनी को सम्मानित किया। इस मौके पर पार्षद विकास सोनी, पार्षद पति परमजीत सिंह चोपड़ा व अन्य उपस्थित थे। विकास मिश्रा ने बताया कि वार्ड में 95% काम हो चुका है। मंत्री ओपी सोनी जैसा कोई नेता नहीं है जो लोगों के सुख दुख में सबसे पहले काम आते हैं। वार्ड नंबर 54 इतने दड़क की शुरुआत की है। इसमें लागे ये कुदरी घर चौक तक सड़क जी बनाई जाएगी बढ़िया तरीके जड़क पे छोटिया सड़क ये भी नाल बना श्री ओम प्रकाश जी सोनी। तो जिन्हें भी काम ने इस वार्ड के सारे असी पूरे करे जा रहे हैं, चाहे वह पार्क ने, चाहे लाइटा ने, चाहे सीवरेज आ, चाहे गलिया नालिया ने, चाहे सड़क ने, सारे काम जोड़े मुकम्मल अभी जल्दी करते रहे। वैसे 85-90% काम आल भी हो कि लागत सर कि लागत हो रहा जी सड़क दस नाम ये तकरीबन 60 लाख रुपया लगता है जी। श्री ओम प्रकाश जी सोनी, श्री ओपी सोनी। आज हम खड़े हैं विधानसभा सेंटर हलके इस्लामाबाद में, जहां पर कैबिनेट मंत्री ओपी सोनी जी ने नई सड़क का उद्घाटन किया है। यह सड़क इस्लामाबाद से लेकर पुतलीगार फाटक तक जाती है। यह सारी सड़क नई बन रही है। यहां के जो विकास मिश्रा, पार्षद पति परमजीत चोपड़ा हमारे साथ है और इलाका निवासी है, उनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी सर, आज सोनी साहब ने सड़क का उद्घाटन किया। हाँ जी, सड़क का उद्घाटन किया जी। अपना 40 लाख रुपए का काम पास होया जी सोनी साहब वालों। श्री मानयोग साढ़े ओम प्रकाश सोनी जी वालों पुतली घर तो लैके बैंक वाले चौंक तक ये सारी सड़क नवी बनी है जी। इतने लुक पई है कि जी, ये पिछले 15 साल तो ये सड़क नहीं सी बनी। लोगों को बड़ी तंगी आती थी, दुकानदारों सारे लोगों को, गाहकों कि कोई डिगदा सी, कोई कोई प्रॉब्लम होंगी सी। यह सोनी साहब अज्ज बुला के चोपड़ा जी नाल आए ने, लाली अंकल बैठे ने, बब्बू जी बैठे ने, इन्हां लक्की भाई बैठे ने, शेंटू भाई, इन्हां विकास भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने यह सारा काम शुरू कराया जी। अगे इस तो पहला भी बड़ी डिवेलपमेंट सोनी साहब ने इस वार्ड नंबर किन्ने परसेंट हो चुकी जी वार्ड डिवेलपमेंट? तकरीबन जी 90-95% काम हो चुका है जी। बहुत ज़्यादा डिवेलपमेंट सोनी साहब ने इस वार्ड कराई है जी। सारिया गलियां, 9 पार्कां सोनी साहब ने बनाई जी। पूछो ही क्वेश्चन है जी, बहुत काम कराया सोनी साहब ने। मेरा नाम विशाल मिश्रा जी। ये हमारे साथ विकास मिश्रा के भाई विशाल मिश्रा थे। इन्होंने कहा है कि इलाके में 90-95% काम हो चुका है, जो रह गया है वो भी महीने दो महीने में हो जाएगा। अब इनसे लाली जी से बात करते हैं। हाँ जी लाली जी, किन्ने सोनी साहब आए उद्घाटन करके गए, जानकारी दो जी। हाँ जी, अज वार्ड 54 विच सोनी साहब बैंक वाले चौंक तो लैके पुतली घर तक नवी सड़क बनाने का अज उद्घाटन करके हुणे हुणे गए ने। असी सोनी साहब के बहुत धन्यवादी हाँ जिन्होंने अपनी सेंटर कॉन्स्टिट्यूएंसी नूं कोई कसर नहीं आन दिती। सारिया सड़कां, सीवरेज, लाइटां, मैं कहना इन्ना विकास कभी अज तक पिछले 50-60 सालों नहीं होया जिन्ना सोनी साहब ने इन्ना विकास साढ़े सेंटर कॉन्स्टिट्यूएंसी किया है। असी उन्होंने देना नहीं दे सकते, धन्यवाद। हाँ जी लक्की जी, अज सोनी साहब आए ही, उन्होंने उद्घाटन किया, की कहना चाहते जी? अहना तय दिलों शुक्रगुजार हाँ जी, जो उन्होंने विकास किया बहुत वजिए किया जी। जय श्री राम। हाँ जी, सा चोपड़ा जी भी है जो विधानसभा सारी वार्डा का ख्याल रखते हैं, दौड़ा करते हैं। यह भी सोनी साहब के बड़ी सालों तो सेवादार है और इन्होंने फैमिली मैंबर भी है। आओ परमजीत चोपड़ा जी ने गलबात करते हैं। हाँ जी चोपड़ा जी, अजय जी पहले तो तुहाडा धन्यवाद क्योंकि तुम लगातार जिहड़े साडे माननीय कैबिनेट मंत्री ओमकार जी सोनी, मेरे वड्डे वीर विकास सोनी जी वालों लगातार विकास कमां जी काम से लगातार अपनी पैनी निगाह रख रहे हो, तो सारी संगत नाल उन्होंने दिते कामों और उन्होंने किए जा रहे कामों पहुँचा रहे हो, पहला तो तुहाडा धन्यवाद। सो अज एक बार फिर क्योंकि एक तो ये रूटीन ही बन गई है, जिवें इंसान रोटी खाँदा या सवेरे पानी पींदा, उस तरह विकास जिहड़ा वह सोनी साहब तो विकास सोनी जी का एक अटूट अंग बन चुका। 24 घंटे हल्के दे लोगों की सेवा, किते कोई दुख सुख, किते सड़क टुटी है, किते नवी सीवरेज प्रणाली है, किते स्ट्रीट लाइटां, हर दुख सुख का ख्याल होना 24 घंटे होता कि कोई भी मेरा वर्कर, मेरा भैन भरा किसी भी चीज़ तो या सहूलत तो वांझा ना रह जाए।
सो उस तहत अज लड़ीवार जो प्रोग्राम पिछले 30 साल का इतिहास सोनी साहब का उस तहत ही अज इस्लामाबाद बैंकले चौंक तो लैके पुतलीघाट चौंक तक 40 लाख की लगना इतने वार्ड नंबर 53 में सोनी साहब ने उद्घाटन किया और सारी टीम ताकि इकट्ठी सी। सो सचमुच अज जिहड़ा हलका केंद्रीय का 100 मैं यो बेनती करांगा कि अज सचमुच पूरे पंजाब के 117 विधानसभा हल्के ने और लेकिन एक रिकॉर्ड तोड़ जिहड़ा काम है वह हलका केंद्रीय साढ़े माननीय कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सोनी जी की रहनुमाई हेठ एक जिहड़ा विकास के झंडे जिहड़े पूरे बुलंद किए जा रहे और तकरीबन पूरे हल्के का 90% विकास हो चुका है और माण वाली गल है कि हले 8-9 महीने पे ने और मैं आस करता कि पिछली बार का जरा मार्जना सोनी साहब का एसोसीएसी दूना करके ये सारी संगत बैठी है वार्ड वाले ने भी इलाका प्रण किया हल्का सेंटर ने प्रण किया भी इस वे जी है महाराज की कृपा नाल माता रानी के आशीर्वाद नाल ये दूने मार्जना सोनी साहब ऐतकी विधानसभा फिर जी बच गए। 2022 विधानसभा के चुनाव है मंत्री साहब ऐतकी 6वां पता नहीं 7वां इलेक्शन लड़ रहे हैं अगे अगे डबल लीड तो जितने जी देखो जी उन्हां बारे कुछ कहना तो मैं समझना भी कोई गल ही तुक ही नहीं बनता किसी तरह का एक गल का स्वाद करना बड़ा अजय जी तुम्हें कॉल किया फिर मैं जवाब देवांगा कि कोई भी अज मानयोग साडे कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सोनी इहो जिहा इतिहास विच एक नाँ दर्ज कर चुके ने अपनी नाँ दे नाल नाल अपने कम्मां दे नाल नाल अपने किते विकास कार्यां दे नाल नाल कि अज पूरे पंजाब दे 117 विधानसभा हल्के आ मैं मानना एक गल करना भी किसी भी हल्के 117 विधानसभा सोनी साहब को जिता दो 50,000 तो उत्ते लीड ना करांगे इस हल्के च तो उन्होंने मुकाबला ही कोई नहीं गा कोई कैंडीडेट मैं नहीं लगता भी सारे की जमानत ही जब तक कोई 5-10 हज़ार वोट दे लागे भी सोनी साहब के कितने पहुंचेगा तो बड़ी माननी क्योंकि ये तुम वेखो भी लगातार 5 वारी MLA उस तो बाद 6वीं इलेक्शन सोनी साहब ने जितनी है 5 वार मेयर लगातार 30 साल इस अमृतसर की जनता ने उन्होंने प्यार दिता लोग वेखो मेयर प्रति किए कामों अज भी याद करते हैं सोनी मेयर बच्चे बच्चे की जमानते हैं। सो ये तुम्हें मैं यकीन दवाना जरा मार्जिन पिछली वे सा 23-24-25 हज़ार का सत वेरी वो हल्का केंद्रीय संगत जी 50 हज़ार से पहुँचाएगी जी। साढ़े ना चोपड़ा जी कह रहे हैं ऐसी जो विधानसभा चुनाव आन गए और 50 हज़ार की लीड न जितते जाएंगे उन्होंने जिन्हें भी इतने कारो जिन्हें भी विकास कार्य काम हो रहे हैं बहुत तेजी हो रहे हैं 95% सारिया वार्डा के विकास काम हो चुके हैं 5% रह गए अभी 1-2 महीने च पूरे कर दिते जाएंगे। अजय अरोड़ा की रिपोर्ट कैमरामैन दीपू मलिक के साथ जय माता दी करता स्टार्ट। ये देखिए ये सलामा के बाद के पास जो सड़क टूटी हुई थी आज मंत्री सोनी जी ने सड़क का उद्घाटन किया है ये सड़क बन जाएगी नहीं और लोगों को इलाका निवासियों को इतनी सहूलत होगी शहरवासियों को कि जो सड़क में गड्ढे पड़े थे वो नहीं बन रही है। यहाँ के इलाका निवासियों ने कहना है कि वार्ड में इतने विकास कार्य 90% 95% कर दिए गए हैं। ये हमारे साथ कपूर जी हैं और उनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी कपूर जी नमस्कार जी। सड़क जी है पिछले कुछ टाइम तो टुटी हुई सी इधर साइड से लोगों की डिमांड सी तो सोनी साहब ने सिर्फ एक बार बस कह दी देर सी तो उन्होंने नाल ही अगले दिन का टाइम देता कि मैं इतने आके सारा काम करवाऊँगा। बाकी गल जी असं उन्होंने विकास के बारे करिए सोनी साहब के बारे तो शायद जो आप कहीए कि सूरज नूं असी जे दीवा दिखाण दिया तो उहो जी गल ही होएगी। सोनी साहब तो विकास सोनी जी विकास सोनी का मतलब ही विकास जी का कि अपने जिहड़ा एक शब्द जिहड़ा उन्हां दा विकास जुड़िया नाल उहदे नाल उह विकास करदे जांदे आ ते 1990 तो लैके हुण तक असी देखदे आ कि सोनी साहब नूं किसी भी थां ते जिथे चले जांदे आ हर थां दे उत्ते उहनां दा अपना जिहड़ा काम आप बोलदा इहनां नूं कहिण दी जरूरत नहीं पैंदी। सो अपने कॉन्स्टिट्यूशन दे विच हर एक जणे नूं हर एक बंदे नूं अपने परिवारिक मैंबर दे तौर दे उत्ते जाणदे आ हर एक बंदे नूं अपने परिवारिक मैंबर हिसाब से मिलते हैं उन्होंने उत्थे मिलन के पहुँच गए उन्होंने कोई भी ऐसा बंदा ऐसा नहीं है जिन्होंने वो कहने की वजह तेनों नहीं मिल सकता हर एक जने बहुत इज्जत मान ना मिलते हैं सब की गल सुनते हैं तो सारे मुश्किलों का हल भी उस टाइम ही करने की कोशिश करते हैं तो असं बहुत धन्यवादी हैं सारे इलाका निवासी कि साढ़े को यहोजे बहुत अच्छे MLA साहब जिहड़े कि हाले भी मेयर साहब के नाम तो जाने जिन्होंने उन्होंने इन्हें उस समय 1990 भी इन्ना विकास किया तो असं बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सुनील जी साढ़े नाल है दो शब्द कुछ है कहेंगे मैं जी धन्यवाद करता जी सोनी साहब का बहुत बहुत वधिया काम कर रहे हैं जी दिलों धन्यवाद करता जी।